भारत सरकार के वन विभाग और खाद्य निगम के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गुरुवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ पौधारोपण कर बैठक की, जिसके संबंध में खाद्य निगम के प्रबंधक आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि भारत में खाद्य निगम की मंडल स्तर पर जो भी कार्यप्रणाली है और भारत सरकार द्वारा जनहित में जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं उसकी समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है उसकी समीक्षा की गई तथा कार्यों की सराहना की गई है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम की जो प्रणाली है, भंडार गृह है, उसकी भी जानकारी ली है, क्योंकि जो खाद्य विभाग के गोदाम है वह पूरी तरह से साइंटिफिक है। उन्होंने आगे के कार्यों को करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खाद्य निगम के प्रबंधक आदित्य कुमार सिंह और भारत सरकार वन विभाग और खाद्य निगम के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, ये क्या है? ये हलवा हेलीपैड आए, अभी तुरंत उतरे हेलीकॉप्टर से। अगले बार आऊंगा ना तो आपके फॉरेस्ट में रहूंगा। अच्छा, फॉरेस्ट में देखने जाऊंगा। क्या वन विभाग को देखने भी जाऊंगा? गंगा में तो एक ही पेड़ लगे सर, जो आपकी हर श्रृंगार और नीम, ये दोनों का औषधि उपयोग सर। हर श्रृंगार आ जाओ भाई, डीएम खाओ, हमारे सब लोग आ जाओ। अरे आए हटो, आगे हटो, कर लेंगे लो। पानी मंत्री इधर देखिए एक बार सब। दस पुत्र के समान एक दस पुत्र का जितना लाभ मिलता है उससे एक वृक्ष लगाने का लाभ जी, मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है और मैं यहाँ पे प्रबंधक हूँ। माननीय मंत्री जी द्वारा
भारतीय खाद्य निगम की मंडल स्तर पे जो भी कार्यप्रणालियाँ हैं और भारत सरकार द्वारा जो भी जनहित में जो भी प्रोग्राम या कार्यक्रम चलाया जाता है उसकी समीक्षा की गई है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में जो भी मुफ्त राशन गरीबों को बांटा जाता है उसकी समीक्षा की गई है और उसकी सराहना की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्री जी ने भारतीय खाद्य निगम की जो कार्यप्रणाली है, जो हम लोगों ने नया इसमें एक IT को जो इन्वेंशन के साथ जो पारदर्शिता लाए हैं उसकी भी तारीफ़ की है, जैसे कि डिपो ऑनलाइन और सभी प्रकार के जो पेमेंट्स हैं, सभी प्रकार का जो खाद्यान्न का रिसीव करना या उनको निर्गमन करना, ये सभी चीज़ें पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं, जिसकी उन्होंने सराहना की है। इसके अतिरिक्त मंत्री जी ने भारतीय खाद्य निगम के जो भंडार गए हैं इनकी WDR की रैंकिंग की भी समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने पाया कि जो हमारे जो अब गोदाम है पूरी तरीके से साइंटिफिक है और वो दिन पे दिन अपग्रेड हो रहे हैं विश्व स्तर के। और मंत्री जी ने आगे के लिए हम लोगों को एक नया मार्गदर्शन भी दिया है कि हम आगे कैसे इस निगम के माध्यम से जनमानस की सेवा करें। देखिए, मुख्य रूप से आज जब गोरखपुर में पहली बार नए प्रभार मिलने के बाद मैं पहली बार आया हूँ, यो कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक भी कार्यक्रम है और मैंने प्रातःकाल आज अपने जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, DFO हैं वन विभाग के यहाँ के, और साथ साथ हमारे खाद्य आपूर्ति के जो डिविजनल मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं और जितने भी हमारे यानी कि दोनों मंत्रालय के, मैंने एक जानने के लिए एक समीक्षा, संक्षिप्त समीक्षा बैठक भी हमने इनके साथ किया, बहुत सारी जानकारी भी मिली और बहुत चीज़ों के बारे में हमें अच्छा लगा। विशेष करके उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वनों के आच्छादन के लिए देश भर में जो हमारा अभियान चल रहा है कि हम 33% का लक्ष्य जितना जल्दी से जल्दी हो उसको प्राप्त करें, आप जानते हैं कि देश में अभी लगभग 19-20% हमारा वन आच्छादित है, उसे 33% करना है। उत्तर प्रदेश में जहां हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 9% के लगभग जी वन आच्छादन है, और जो जहां हम बैठे हैं गोरखपुर जो मंडल है, गोरखपुर मंडल ये एवरेज जो है 3% का वन आच्छादन है। मुझे खुशी है कि इस वर्ष जो लक्ष्य बना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक विकास की फुलझड़ियाँ आगे बढ़ी है और हर क्षेत्र में, हर विभाग में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब समीक्षा कर रहा था इनके लगभग 24 से 25 विभागों की ओर से वन लगाने का योजना बना करके किनको कितना लगाना है इसकी पूरी तरह से और कितना लगा रहे हैं, तो मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 35 करोड़ पौधारोपण का काम अभी 15 अगस्त तक पूरा कर ले रहा है, जिसमें लगभग इन्होंने 70% कर लिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जहाँ तक गोरखपुर मंडल की बात है तो गोरखपुर मंडल में 1.59 करोड़ ये गोरखपुर के मंडल में और इसके गोरखपुर जनपद में 50.63 लाख पौधारोपण हो रहा है, तो यह एक बहुत बड़ी योजना है। हर साल योजना बनाते, पिछले बार से काफ़ी हमने बृहद पैमाने पर योजना बनाई है। उसी प्रकार से भारत सरकार की जो नगर वन योजना है, देश भर में हम 1000 नगर वन बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कहिए कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए लोग शहरों में, गांव में कुछ हद तक का खुले खुले ऑक्सीजन मिल भी जाता, शहर के अंदर बहुत परेशानियां होती थी, तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से हमने 1000 नगर वन बनाने का
योजना बनाई है, जिसमें हमारे इस गोरखपुर मंडल में दो नगर वन योजना हमने स्वीकृत किया है। वो लगभग 50-50 हेक्टेयर का दो क्षेत्र है और वो नगर वन वहाँ आच्छादित किए जाएंगे। आप जानते हैं कि 2070 तक हमें प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को कहा है कि हम 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन नेट जीरो करेंगे, तो हमें जितना वृक्षारोपण हम करेंगे तो कार्बन का उत्सर्जन इससे ज़्यादा मतलब कहीं नहीं हो सकता। तो पेड़ वृक्ष लगाने का एक तो हरियाली भी रहे, जलवायु परिवर्तन में भी हमारा सहयोग होगा, और आज जो हम देख रहे हैं हर प्रकार का उन चीज़ों में मुझे खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने जहाँ नगर वन के अलावा शक्ति वन भी लगाए महिलाओं के द्वारा और काफ़ी अच्छा फिगर, साथ साथ बाल वन, युवा वन और खाद्य वन, जो इस प्रकार से खाने योग्य जो चीज़ें हैं वो पौधे, तो इसकी भी स्थापना की गई है। एक सबसे बड़ी बात है कि पक्षियों से प्रेम करना, पशु पक्षी हमारे लिए बहुत ही वाइल्ड लाइफ का जो काम है देश भर में, तो हमने बल दिया हमारे यहाँ वनस्पति से लेकर के जीव जंतु सबको हम लोगों ने महत्व दिया है। हमारे प्राचीन काल से, ऋषि मुनि काल से ही आप जानते हैं कि भाई यह देश बहुत ही कह सकते हैं कि जो सबका ध्यान रखता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर जो रामतल है, जो मैं तालाब देख रहा हूँ, इसकी भी मैंने विवेचना किया है प्रातःकाल आने के साथ, मैंने काफ़ी मनोरम दृश्य है, और मुझे लगता है कि गोरखपुर में यहाँ भी पहले कई बार पहले आ चुका हूँ, जब बिहार में मंत्री था उस समय भी आता था, विधायक था उस समय भी आता था, भारत सरकार में जब स्वास्थ्य मंत्री रहा तो एम्स के प्रोजेक्ट को जब हम लोगों ने दिया उसमें भी आया था। लेकिन मैं देखता हूँ कि बदलता हुआ गोरखपुर, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, यह जो स्थिति है ये बहुत ही सुखद अनुभव लोगों को हो रहा है, और यह जो प्रोजेक्ट है इसमें वेटलैंड के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको किया है, और आगे रामसर प्रोजेक्ट भी हमारा बगल में बखीरा में रामसर प्रोजेक्ट भी है। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 इस प्रकार के पूरे देश भर में 75 रामसर प्रोजेक्ट वेटलैंड का लेने जा रहे हैं, जिसमें हमारे अभी लगभग 53-54 हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम वेटलैंड को भी बल दे रहे हैं। खुशी की बात है, गोरखपुर के जो कैंपियरगंज है उसमें रेड हेडेड जो गिद्ध है, जिसका लाल मतलब ऊपर में जो लाल मुंह का जो होता है गर्दन पर, तो रेड हेडेड गिद्ध उसको बोलते हैं, आज गिद्ध प्रजाति समाप्त हो रहा है। वो बिरले इस प्रकार के प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने काफ़ी बल दिया है और उसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ये देश का पहला सेंटर होगा रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये पहला सेंटर होगा। लगभग 15 करोड़ का वो उसमें लागत है, तो भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ के द्वारा इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से करने का निश्चय लिया है। शुरू हो गया मंत्री जी? हाँ, इस पर बनना शुरू हो गया है। कुछ बजट का अभाव नहीं? नहीं, बजट का अभाव नहीं है जी, सेंशन बजट जो सेंशन के स्टेज में जो होता है, हमारे यहाँ बजट का अभाव न तो केंद्र में है न उत्तर प्रदेश सरकार में, इसलिए बजट के बारे में मत पूछिए। हम करने वाले लोग हैं, विल पावर हमारा स्ट्रांग है, हम उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखने वाले। उसी प्रकार से राष्ट्रीय बम्बू मिशन, ये एक बहुत बड़ी योजना है देश भर में, और इस बम्बू मिशन के द्वारा हम किसानों को बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। हम 50% किसानों को मतलब बम्बू मिशन के तहत हम उनको लगाने के लिए पौधे देते हैं, और उससे लागत भी काफ़ी होता है। महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा इस मंडल में लगभग 2 दर्जन महिलाएं उसका लाभ उठा रही हैं और उनको रोज़गार मिल गया है, और बम्बू मिशन से हम उस प्रकार के काम इस गोरखपुर मंडल में भी काफ़ी बढ़ाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जो बंजर जमीन है, भूमि है,
उसमें भी हम जो कुछ उपजाते नहीं हैं तो बम्बू मिशन के द्वारा हमें बहुत बड़ा लाभ भी भविष्य में मिलेगा और अभी भी मिल रहा है, तो ये एक सुखद है। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का हमने अभी ये किया है। जहाँ तक खाद्य आपूर्ति मंत्रालय भी हमारे साथ में है, तो हम जो मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति और आपका इन चीज़ों में काफ़ी मैंने जो विवेचन किया है, तो इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो भारत सरकार का ये छठा फेज, सितंबर तक हम मुफ्त अनाज सबों को दे रहे हैं। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फ्री अनाज देने का काम किया झोला भर के, तो हम जहाँ प्रत्येक परिवार को 5 किलो प्रत्येक सदस्य को हर महीने मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना ये स्कीम चलाया था। और मुझे सुखद अनुभव है कि अभी कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 25 महीने में 999 लाख मेट्रिक टन, यानी कि लगभग 1000 मेट्रिक टन अनाज हम अभी तक खाद्य वितरण पूरे देश में, जिसका मूल्य लगभग 3.40 लाख करोड़ होता है, ये हमने वितरण किया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारा जो यह है छठे चरण में हम 76,500 मेट्रिक टन निःशुल्क हमने वितरण किया है 220 करोड़ का, जिसकी कीमत 220 करोड़ होता है, तो मंथली ये वितरण हमारा गोरखपुर मंडल में ये हमारा वितरण हो रहा है, ये एक सुखद है। जहाँ तक गेहूं खरीद का जो वर्ष 22-23 का, इस गोरखपुर मंडल में एक बहुत बड़ा हमारे जो FCI के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, इस क्षेत्र में हमने 16,800 किसानों को लाभ पहुंचाया है, और जिसमें 75,000 मेट्रिक टन हमने खरीद किया है, और कुल मिलाकर के MSP प्राइस जो है 149 करोड़ का हमने गेहूं में खरीद में हमने भुगतान किया है, गेहूं वाले में, रबी वाले में। और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 90,000 मेट्रिक टन लगभग प्रतिमाह हमारा गेहूं और चावल का वितरण होता है, यहाँ पर जो हमारा भंडारण क्षमता है हमने उसको काफ़ी देश भर में विकसित किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी काफ़ी इसको, जहाँ स्टेट फूड कॉरपोरेशन के अलावा जो सेंट्रल फूड कॉरपोरेशन है या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, और इन सब के अलावा भी हमने PEG योजना है जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, साइलो भी हमने बनाने का तय किया है।